नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं एक्चुअली कि जब आप किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक लगा चुके होते हैं, तो अगर आपको जो है सो रिक्वेस्ट आता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक हटा ले हटा ले हटा ले भाई, तो आपका मन बदल जाता है फिर कि चलो हटा ही लेते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक। तो ऐसे स्थिति में आपको हटाना कैसे है कि बहुत लोग तो स्ट्राइक लगा देते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता एक्चुअली कि स्ट्राइक को रिमूव कैसे किया जाए। तो आज हम आपको वही बताने वाले हैं कि स्ट्राइक को रिमूव कैसे करना है। तो स्ट्राइक को रिमूव करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो है सो यूट्यूब खोलना ही पड़ेगा और क्रिएटर स्टूडियो में जाना पड़ेगा। तो जैसे कि देख सकते हैं हम यूट्यूब खोले हैं, उसके बाद क्रिएटर स्टूडियो में जाना है। और क्रिएटर स्टूडियो बीटा में नहीं जाना है क्योंकि बीटा वर्जन जो है सो उसमें अभी मेरे ख्याल से फंक्शन है नहीं, अगर है तो हमको पता नहीं है, मेरे ख्याल से शायद नहीं है उसमें अभी अभी फिलहाल आप लोग मतलब फंक्शन नहीं दिया गया है। लेकिन आपको जो है सो क्रिएटर स्टूडियो जो है सो पुराना वाला जो क्रिएटर स्टूडियो जो इस तरीके का है, इस तरीके के क्रिएटिव स्टूडियो खोलना है। उसके बाद आपको जाना है वीडियो मैनेजर में, वीडियो मैनेजर को क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिंपली जो है खोले दीजिए वीडियो मैनेजर, अभी पता चल जाएगा। हाँ, उसके बाद जो है सो सबमिट रिट्रैक्शन जो दिख रहा है यहाँ पे, सबमिट रिट्रैक्शन है, इस पर क्लिक करना है। सबमिट रिट्रैक्शन खुल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है सो रिट्रैक्ट, यहाँ पे एक भी वीडियो नहीं है, यहाँ पे आपका वीडियो आएगा जिस पे आप कॉपीराइट स्ट्राइक लगा चुके होंगे। सिंपली उस वीडियो को सेलेक्ट कर दीजिए और रिट्रैक्ट जो कि यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं है फिलहाल, उस समय हाईलाइटेड हो जाता है, उस पर क्लिक कर देना है। बस इतना करने के बाद आपका जो है सो वीडियो फ्री हो जाएगा, उसके बाद वो जो है सो उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक हट जाएगा। सिंपल सा स्टेप है। अभी यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि जितना भी कॉपीराइट स्ट्राइक लगा चुके थे हम, उस सबको हम हटा चुके हैं फिलहाल, अभी इसे नहीं है। और सबमिट रिट्रैक्शन का बटन आपके अकाउंट में तब तक नहीं दिखेगा जब तक आप किसी पे स्ट्राइक नहीं लगाइएगा, ये बात भी जरूरी है। अगर आप किसी पे स्ट्राइक आज तक नहीं लगाए हैं तो ये बटन दिखेगा ही नहीं, आपको होगा ही नहीं वहाँ पे। और अगर आप जैसे ही स्ट्राइक क्लेम कर दिए तो ये बटन अपने आप यहाँ पे आ जाता है वीडियो मैनेजर के नीचे, सबमिट रिट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो है सो अगर आपका मन बदल जाता है किसी को किसी किसी वीडियो पे या किसी आदमी पे, तो जो है सो अगर आप स्ट्राइक हटाना चाहते हैं तो सिंपली उस वीडियो पे क्लिक कर देना है और ये रिट्रैक्ट क्लेम पे क्लिक कर देना है, बस इतना ही करना है। उसके बाद जो है सो आपका वो स्ट्राइक हट जाएगा उसके चैनल पर से। बस तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। ये अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। तो सब्सक्राइब तो कंपलसरी है, वो तो कीजिए ही कीजिए। उसके अलावा अगर आप मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।